ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म सुपर 30 अपनी पूर्व निर्धारित तारीख 26 जुलाई को ही रिलीज होगी। निर्माताओं ने इस घोषणा के साथ ही उन अटकलों पर भी लगाम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा है कि कंगना रनौत की फिल्म मेंटल है क्या की रिलीज को देखते हुए सुपर 30 की रिलीज की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। फिल्म के प्रोडक्शन बैनर रिलायंस एंटरटेनमेंट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की एक पोस्ट के अनुसार सुपर 30 की रिलीज की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिल्म 26 जुलाई को ही रिलीज होगी। ये चर्चा तब शुरू हुई थी जब कंगना व राजकुमार राव स्टार फिल्म मेंटल है क्या की रिलीज की तारीख को आगे बढ़ाकर 21 जून से 26 जुलाई कर दिया गया था। इससे पहले वे फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और सुपर 30 के एक ही दिन 25 जनवरी को रिलीज होने और बॉक्स ऑफिस पर टकराने की खबरें आई थी। हालांकि तब सुपर 30 के निर्देशक विकास बहल का नाम मी टू आंदोलन में आने के कारण फिल्म का प्रोडक्शन वर्क बाकी रह गया था और कंगना की मणिकर्णिका रिलीज हो गई थी। चर्चा ये भी है कि बीते दिनों कंगना और ऋतिक के बीच हुई टकरार की वजह से कंगना के कहने पर फिल्म मेंटल है क्या की रिलीज की तारीख आगे बढ़ाई गई है जिससे कि बॉक्स ऑफिस पर उनकी और ऋतिक की फिल्म का मुकाबला हो सके। हालांकि बालाजी मोशन पिक्चर्स की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मेंटल है क्या के लिए बॉक्स ऑफिस पर बेहतर संभावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सुपर 30 में ऋतिक को गणित के जादूगर आनंद कुमार की भूमिका में देखा जाएगा जो हर साल 30 मेधावी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों प्रतिभाशाली छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश परीक्षा के लिए पढ़ाते हैं। ऋतिक फिल्म में बिहार के एक साधारण व्यक्ति के किरदार में नजर आएंगे। आनेस्ट रिपोर्ट।